गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं बताने वाला हूँ ट्रांजैक्शन के बारे में। इस नेटवर्किंग पर सबसे पहले आप नेटवर्किंग स्कूल के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ट्रांजैक्शन तो आज के युग में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है कि लेन देन आजकल तो इस डिजिटलाइज हो गया है। डिजिटलाइज इतनी तो ट्रांजैक्शन में कभी पेटीएम में इधर से उधर पैसा भेजना ये वो, लेकिन ये ट्रांजैक्शन होता क्या है और इसमें एरर कैसे आ जाते हैं? कभी कभी नहीं कि पैसा भेजे और फंस गया, होता ये है कि कभी नहीं गया दूसरे में, एक में भेजे दूसरे में नहीं गया, जो आजकल चल भी रहा है कि पेटीएम जो ऑफर मिलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा भेज दिए और उसमें पहुंचा ही नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन पहले बात होता क्या है, ट्रांजेक्शन होता क्या है ना, यही है। देखो, ए ट्रांजेक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन दैट फ्रॉम ए सिंगल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसमें प्रोसेस क्या है, जैसे आप एक दूसरे के, जैसे कोई बैंक में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसा, वो होता क्या है, उसके अंदर प्रोसेस होते क्या हैं और उसमें प्रॉब्लम कैसी आती हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्विंग भी बताते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं और क्या प्रॉब्लम आते हैं, ये सारे भी सारा चीज़ मैं बताऊंगा इसमें। सबसे पहली बात देखिए, आप प्रॉब्लम आता कहाँ से है। मान लीजिए T1 एंड T2, आपने ये आप हैं और आप बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ से आपने मान लीजिए A 100 है, 100 रुपये, A 100, आपने 100 रुपये में से 50 रुपये ट्रांसफ़र किया, तो इसमें तो 100, 50 रुपये माइनस हो जाएगा, ठीक ना। आप इसमें क्या हुआ कि आप 20 रुपये कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 20 रुपये, तो टोटल क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 75 हुआ। आपने यहाँ 50 किया, लेकिन यहाँ जो ए का करेंगे दूसरे में ट्रांसफ़र बैंक में, तो यहाँ ए जो एनालाइज करेगा जो ओरिजिनल रेट, वो तो 100 करेगा। यहाँ इसलिए नहीं हुआ, जब यहाँ पे प्रोसेस अभी ख़त्म ही नहीं हुआ, कंसिस्टेंसी आ गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि यही जो ए हमारा वैल्यू उठाएगा, ए माइनस 20, तो 100 उठाएगा, इसलिए 75 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंसी आ जाएगा और हमारा ये जनरेट नहीं हो पाएगा प्रोसेस, होल ट्रांजेक्शन प्रोसेस। तो ये प्रॉब्लम होता कहाँ से है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। आप ऐसे ही देखते रहिए हमारे वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन इसके आगे भी बता सकता हूँ कि जैसे आपने ये हुआ, जैसे अगर होल प्रोसेस करते क्या है, एक हेडिंग दे देते हैं, कैसे करते हैं, जैसे ए दिया, मान ए 50 रुपये दिया, तो इसमें क्या होगा, पहले इसको करेगा एनालाइज करेगा और फिर इसके बाद प्रोसेस होल प्रोसेस करेगा, तो 100 माइनस राइट किया, ये राइट किया, कितना आ गया टोटल बैलेंस, तो टोटल बैलेंस 50 है, जो भी आएगा यहाँ पे वो इनपुट आउटपुट होगा ना, वो होता है इनपुट ऑपरेशन, ठीक है। अब इसी तरह इसमें भी, और ठीक, इसे बस यहाँ तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे होल ट्रांजेक्शन का मेथड होता है, क्या इसमें प्रॉब्लम आती है और कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।